फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट विद क्वेश्चन लेके आया आऊँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानने से पहले हम एक बार न्यूटन्स के लॉ के बारे में भी जान लेते हैं और क्योंकि जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है फर्स्ट वर्ड जो है इनिशियल ठीक है तो जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्सिया ठीक है तो जो इनर्शियल फ्रेम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वर्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ही आया है ठीक है तो इसको जानने से पहले हम एक बार न्यूटन्स के लॉ के बारे में जान लेते हैं न्यूटन्स के नियम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले तीन मुख्य नियम थे न्यूटन्स ने तीन मुख्य नियम बताए न्यूटन्स लॉ किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उस बल के कारण उस वस्तु की गति में हुए परिवर्तन के संबंध को बताता है ठीक है और न्यूटन का जो पहला नियम था वो हमा, वो हमारे को क्या बताता है यदि किसी वस्तु को यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए और अगर वो वस्तु जो है गतिशील अवस्था में है तब तक वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई उसको रोकने के लिए कोई भारी बल उस पर ना लगाया जाए न्यूटन का जो तो फर्स्ट लिया था फर्स्ट नियम था ये बोलता था और लॉ ऑफ जो हमारे पास

कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म बिलोसिटी मतलब एक समान गति से चल रही है वो तब तक एक समान गति से ही चलेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए ठीक है तो इस पे जो वैलिड है जो मेन यहां से क्वेश्चंस बनेगा वो क्वेश्चन कि इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड और ट्रू ठीक है तो पूछ लेते हैं कि विच लॉ इज डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ की तरह ही है और न्यूटन फर्स्ट लॉ इस पे वैलिड है और ट्रू भी है ठीक है सेकेंड है हमारे पास नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इसे एक्सीलेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं ठीक है थीके? जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक एग्जांपल ही है हमारे पास रोटेशंस ऑफ अर्थ ठीक है नेक्स्ट है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलेरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिच एक्सीटेड इज कॉल्ड नॉन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस इज नॉट वैलिड और ट्रू ठीक है जो हमारे पास एक्सीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है क्योंकि जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं जो है को चेंज करता है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मॉस में वो ऑब्जेक्ट को जो है मोशन नहीं करता उसमें जो एक्सिलेशन मोशन है ठीक है इसलिए जो है इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वैलिड नहीं है ठीक है नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन दीज आर थ्री टाइप ऑफ द मोशन फर्स्ट है ट्रांसलेशन मोशन सेकेंड है रोटेशनल मोशन एंड थर्ड है वाइब्रेशनल मोशन इनको मैंने डिफाइन नहीं किया है क्योंकि मोस्ट

ठीक है अर्थ की जो रोटेशन है वो रोटेशनल मोशन में यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मॉस में है mm, है ठीक उसको क्या बोलते बोलते हैं हैं रोटेशनल रोटेशनलोशन गो राउंड और आपके पास uh, काफी आ जाते हैं जो रोटेशन करते हैं ठीक है टायर ऑफ कार ठीक है वो भी जो है रोटेशनल मोशन का ही एक एग्जाम्पल है नेक्स्ट है वाइब्रेशनल मोशन वाइब्रेशनल मोशन बॉडी जो है वाइब्रेट करती है वाइब्रेशनल मोशन उसको बोलते हैं हम ठीक है नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज मोस्ट इंपोर्टेंट Concept है स्केलर प्रॉपर्टीज यहां से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज द क्वानिटीज विच द मैग्नीट्यूड ओनली नो सीन ऑफ इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज क्वांटिटीज ठीक है जो हमारे पास स्केलर होती क्वान्टिटीज उसका मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका साइज होता है ठीक है और नो सीन ऑफ ट्रेक्शन उसका उसमें जो है ड्रेक्शन का कोई सीन नहीं है ठीक है उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है उसका जो है मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसका साइज होना चाहिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मास है लेंथ है टाइम है स्पीड है टेम्परेचर वॉल्यूम डेंसिटी इलेक्ट्रिकल करंट वर्क एनर्जी और पावर ठीक है अब मैं बता देता हूँ आपको आप पहले तो ले लो मासी, मास मेरे पास एक पार्टिकल है यहां पे रखा हुआ मैंने ठीक है ये पार्टिकल्स हैं, आप बताओ कि इसमें क्या है ये मैग्नीट्यूड जो है इसका एक मैग्नीट्यूड है साइज है साइ, मतलब ये कोई जो है स्पेस घिरता है ठीक है बट इसका डायरेक्शंस के कोई लेना देना नहीं है कि ये कौन सी डायरेक्शन में है कौन सी डायरेक्शन में नहीं है नहीं हम बता सकते ठीक है तो मास जो है उसका वो जो हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज़ ठीक है और नेक्स्ट नेक्स्ट है लेंथ लेंथ की अगर मैं बात करूं लेंथ अगर मान लो ये लेंथ है ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है ठीक है थीके? तो लेंथ का जो है डरेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है लेंथ किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है नो ऑफ बट इसका एक मैग्नीट्यूड होता है साइज होता है कि ये इतनी लेंथ है ठीक है इतने सेंटीमीटर है इतने मीटर है नेक्स्ट है टाइम टाइम का भी आपने सुना है कि टाइम किस डायरेक्शन में है ऐसा नहीं है कभी नो सीन ऑफ डायरेक्शन टाइम ठीक है नेक्स्ट है स्पीड स्पीड का भी ऐसा ही है स्पीड को भी जो है डेक्शंस से कोई लेना देना नहीं है टेम्परेचर वॉल्यूम डेंसिटी इलेक्ट्रिकल करंट वर्क एनर्जी और पावर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस

उनको हम बोलते हैं बेटर क्वांटिटीज ठीक है फॉर एग्जाम्पल्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही है एक ही एक जैसी ही टर्म्स है ठीक है अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की मैं बात करूं डिस्टेंस बहुत मैंने डिस्टेंस दिया है भी मैंने बताया कि फाइव किलोमीटर डिस्टेंस या फाइव मीटर डिस्टेंस ठीक है तो फाइव मीटर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई कि कौन सी डायरेक्शंस में है ठीक है डिस्प्लेसमेंट होता है कि पार्टिकल्स मूव करता है ए टू बी पॉइंट ठीक है

इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ये जो है वेक्टर्स क्वांटिटीज के एग्जांपल है यहां से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऑफ द द इज वेक्टर क्वांटिटीज नेक्स्ट है स्पीड 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 क्या होती है इज अ स्केलर क्वांटिटीज स्पीड क्यों है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज क्योंकि नो सीन ऑफ्रैक्शन ठीक है इट इज इट्स यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड डेमिशन फॉर्मुला एम जीरोल माइनस वन टी माइनस वन ठीक है इट इज पॉजिटिव और जीरो बट नेवर बी नेगेटिव क्वेश्चन आपको कहां से बनेगा क्वेश्चन बनेगा आपको यहां से कि विच इज कैन नॉट वी ठीक है तो कैन नॉट नेगेटिव हो सकती है जीरो हो सकती है सॉरी जो स्पीड है वो पॉजिटिव हो सकती है जीरो हो सकती है बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ठीक है नेक्स्ट है विलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इज कॉल्ड वेलोसिटी वेलोसिटी अ वेक्टर बैटू क्वानिटीज वेलोसिटी क्यों वेक्टर टू है क्योंकि देखो डेफिनेशन में भी मेंशन किया गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस ठीक है एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जाता है ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स इज कॉल्ड वेलोसिटी ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं बोलते हैं velocity की यूनिट SI हमने देखी मीटर पर सेकेंड्स होती हैं और पॉजिटिव्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव हमारे पास क्या सॉरी जो है हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है नेक्स्ट है एक्सीशन क्या होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोस्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एसआई यूनिट ऑफ द एक्सिलेशन इज मीटर पर सेकेंड स्के काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी ठीक है और इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो जो एक्सीस हैं हमारे पास वो भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है आपने देखा है अभी जितनी भी हमने क्वांटिटीज ली थी लिया हमने वेलोसिटी ली और स्पीड ली स्पीड में जो था स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव स्पीड पॉजिटिव हो सकती है जीरो हो सकती है वेलोसिटी की अगर बात करूं वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एक्सीेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ठीक है ऐसे यूनिट भी आपको इनके याद रखने हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है डिस्टेंस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वान्टिटीज एज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड्स ठीक है नो सीन ऑफ ट्रैक्शंस डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव जीरो बट नॉट वी नेगेटिव डिस्टेंस भी जो है कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्टेंस है चाहे तो इस इस्ट्रेक्शन्स में हो इस ट्रैक्शंस में हो सॉरी या अपॉजिट ड्रैक्शंस में हो ठीक है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है जीरो भी हो सकता है अगर डिस्टेंस एक बिंदु है तो वो जीरो डिस्टेंस ही है क्योंकि जीरो एक जो हमारे पास एक्सिस पे जो पॉइंट होता है बीच वाला ठीक है वो जीरो पॉइंट होता है तो डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है बट कैन नॉट बी नेगेटिव यहां से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में नेक्स्ट है डिसमेंट डिसप्लेसमेंट इज अटो क्वान्टिटीज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड ट्रैक्शंस डिसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो जो डिसप्लेसमेंट है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है इक्वल इक्वल वेक्टर से ही पता लगता है कि इक्वल वेक्टर होगा क्या जो वर्ड word है वर्डिंग है हमारी इक्वल वेक्टर ठीक है जो हमारा टॉपिक है उसे ही पता लग रहा है कि इक्वल वेक्टर होगा क्या ठीक है टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम ठीक है एंड सेम डर अगर अगर तो हमारे पास कोई वेक्टर्स दिए गए हैं दो वेक्टर दिए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड एक समान साइज है उनके ठीक है और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इक्वल वेक्टर बोलते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी और क्वेश्चन आपको कभी भी डेफिनेशन से नहीं पूछा जाएगा डेफिनेशन आपको समझने के लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हैं जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो एग्जाम्पल पूछेंगे वट विच ऑफ द फ्लोविंग इज इक्वल वैक्टर ठीक है आपके पास कुछ भी दिया होगा या तो आपको पूछेंगे एग्जाम्पल या पूछेंगे आपको इसका एंगल जो भी है ठीक है तो एंगल्स बिटवीन द टू इक्वल वैक्टर इज जीरो मोस्ट इंपोर्टेंट है काफी बार एग्जाम में आ चुका है एंगल्स बिटवी होता है टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट है आपने देखा होगा एक ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्शन की डायरेक्शन इस तरफ है इक्वल मैग्नीट्यूड है साइज एक जैसे हैं दोनों के ठीक है तो सेम साइज बट अपोजिट इंटरेक्शन सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो उसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं बट अपोजिट इंटरेक्शन ठीक है, है तो इज इक्वल टू माइनस बी ए की डायरेक्शन इस तरफ है तो बी की डायरेक्शन इस तरफ होगी ठीक है और क्वेश्चन यहां से क्या बनता है सॉरी तो नेगेटिव वेक्टर से हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा द एंगल्स बिटवीन द नेगेटिव वेक्टर इज पाई रेडियन ठीक है और वन एटी डिग्री क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू

इक्वल वेक्टर भी हो सकता है हमारे पास ठीक है इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है ठीक है अनइक्वल भी हो सकता है एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है ठीक है इक्वल भी हो सकता है बट डायरेक्शन सेम होगी सभी की उसको हम क्या बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं नेक्स्ट है एंगल देखेंगे इसका कि एंगल द एंगल्स बिटवीन टू कोलिनियर वैक्टर इज जीरो तो एंगल कितना होता है कोलिनियर वेक्टर के बीच में जीरो डिग्री एंगल होता है यूनिट फैक्टर्स काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वट इज द मैग्नीच्यूड ऑफ यूनिट फैक्टर्स तो हमारे पास क्या दिया है द मैग्नीच्यूड ऑफ यूनिट वैक्टर इज वन और काफी बार ये भी पूछा गया है कि जो ए प्रोडक्ट है उसके लिए यूनिट वैक्टर क्या होगा तो यूनिट वैक्टर जो है उसको डिनोट करते हैं सॉरी एन कैप से ठीक है इज इक्वल टू ए एक प्रोडक्ट के लिए यूनिट होगा अपॉन ऑफ ठीक है नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केस प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वैक्टर देखो जो आपके पास कार्टेशियंस प्रोडक्ट था वहां से आपके पास डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आया है बट मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिया है क्योंकि जो है हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है तो प्रेपरेशन्स के लिए तो मैंने नहीं लिया हो क्योंकि वहां से बहुत ही कम क्वेश्चंस बनता है रेयर ये कि क्वेश्चंस वहां से बन जाएँ तो मैं सीधा ही आपके लिए डॉट प्रोडक्ट वाला जो उसका कंसेप्ट था उसको लेके आया हूं तो हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बाय डेफिनेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस्ट थीटा ठीक है ये हमारे पास कार्टिशंस प्रोडक्ट में से निकल के आया था ठीक है तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है हमारे पास इफ टू वैक्टर्स आस परपेंडिकुलर टू ईच देन देन दे ईचर्स डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो क्या बोलता है डॉट प्रोडक्ट इफ द वैक्टर्स आस परपेंडिकुलर टू ईच देन ईचर्स डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो कहने का मतलब है कि ए डॉट बी कब जीरो जब जीरो होगा तो हमारे पास जो ए डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी तो वो परपेंडिकुलर होगा ठीक है जब जीरो होगा तो परपेंडिकुलर होगा अगर जीरो नहीं होता है तो पैलर होगा अगर नेगेटिव में होता है तो एंटी पैलर हम उसको बोलते हैं ठीक है अब हम देखेंगे अगर तो थिट्टा की वैल्यू हमारे पास नाइन्टी डिग्री है ठीक है तो हमने क्या करना है कि थिट्टा की वैल्यू इस इक्वेश में बुट करनी है आपको डॉट बी इज इकल टू ए बी कॉस् थिटा कॉस्टा थिट्टा की जगह आपको कहना नाइनटी की वैल्यू पुट करनी है आपने नाइनटी की वैल्यू पुट कर दी कॉस्ट नाइनटी की वैल्यू होती है जीरो तो जीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो हो जाता है जीरो बी तो हमारे पास क्या आ गया टू प्रोडक्ट ए डॉट बी का जीरो आ गया अगर जीरो है तो परपेंडिकुलर होगा ए डॉट बी जीरो आता है तो वो परपेंडिकुलर है काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है वेन थीटा इज इकल टू जीरो डिग्री अगर थीटा जीरो डिग्री है तो क्या होगा तो आपको क्या करना है कॉस थिट्टा की जगह जो थीटा है उसकी जगह जो है जीरो वैल्यू पुट कर देनी है कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वन होती है ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी तो इसको हम बोलते हैं पेलर ठीक है ए डॉट बी अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इज इक्वल टू ए बी या इक्वल टू आता है किसी प्रोडक्ट प्रोडक्ट के तो हम उसको बोलते हैं पेलर टू ईच अदर्स नेक्स्ट है इक्वल तो टू और अगर वन एटी की वैल्यू होती है माइनस वन तो हमारे पास क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ए डॉट बी इज इकल टू माइनस ए बी माइनस ए बी को हम बोलते हैं वेक्टर ठीक है टू ईच अद नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वैक्टर्स ए डॉट बी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ये हमारे पास डेफिनेशन से आ जाता है ठीक है ये हमारे पास एक बन जाती हैं आपको क्या करना है आपको वही चीज जो है जो आपने पीछे थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री आपको पुट करके देखना है अगर तो पीछे आपने क्या देखा अगर तो ए डॉट बी जीरो हो रहा है तो वो प्रुलर था ठीक है अगर यहां पे ए मल्टीप्लाई वी क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी ए मल्टीप्लाई बी जीरो हो जाता है तो वो पैलर होता है ठीक है तो यहां से ही क्वेश्चन बन जाता है मैक्सिमम तो ये जो है हमारे पास एन एन पे कैप ये क्या दर्शाता है यूनिट वेक्टर को बताता है तो यूनिट वेक्टर्स ऑफ टू क्रॉस प्रोडक्ट इज ए मल्टीप्लाई बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज पैलस वेन थिट्टा इज इकल टू जीरो डिग्री अगर थिट्टा जीरो डिग्री है तो आपको पता है कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो ही होती है तो अगर जीरो को जिस भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो हो जाती है तो ए क्रॉस बी हमारे पास अगर जीरो है तो वो पैरलर होगा ठीक है पैर टू एच अदर होगा नेक्स्ट है वेन थिट इज इक्ल टू नाइन्टी डिग्री अगर थिट्टा नाइन्टी डिग्री है क्रॉस साइन नाइन्टी की वैल्यू होती है वन तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इकल टू ए बी तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू एच अदर नेक्स्ट है नेक्स्ट है इसकी दो प्रॉब्लम्स जो हम देखेंगे यहां से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट इंटरेस्टिंग है वेरी इंटरेस्टिंग है फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, आपके पास दिया है ए इज इकल टू टू आई प्लस थ्री जे प्लस के एंड बी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस टू के आपने क्या करना है पहले बताया फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट टू वैक्टर्स दिए हैं ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है ठीक है तो हम इसको क्या करेंगे वैक्टो फॉर्म में वैक्टो फॉर्म में लिखेंगे और आपको पता है कि आई की वैल्यू जो है निकालने के लिए क्या होता है इसको हम ऐसे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं थ्री टू जा सिक्स और यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो वन वन जा वन तो माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस तो सिक्स प्लस वन हो गया माइनस सेकेंड प्रोडक्ट में माइनस आ जाता है फोर माइनस वन हमारे पास आ गया क्योंकि आपको देखने को मिलेगा टू टू ज फोर वन वन जा वन तो फोर माइनस वन यहाँ से आ गया इसी तरह जो है थर्ड भी हमारे पास आ जाएगा टू वन जा टू माइनस टू क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है वन के साथ ठीक है थ्री वन जो थ्री यहां पे माइनस ही आता है तो माइनस का साइन ही रहेगा ठीक है अगर इनको हम ऐड करके देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेवन आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के तो एक प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास ठीक है अगर तो इसकी वैल्यू होती है जीरो ए क्रॉस बी की तब तो ये होना था ठीक है अगर तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास कुछ ए क्रॉस बी इज इक्ल टू ए बी देर फोर ए एंड बी वैक्टर्स आर प्रपेंडिकुलर टूचर्स नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है सेकेंड फाइन द्रॉस प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू माइनस सिक्स आई प्लस नाइन के नाइन जे माइनस ट्वेल्व की एंड बी इज इक्वल टू टू आई माइनस थ्री जे माइनस सॉरी प्लस फोर के आधा पैलर टू बात बता दी है कि ये टू अदर होना चाहिए ठीक है तो हमने देखना है अगर तो ए क्रॉस बी हमारे पास जीरो आ जाता है तो वो क्या होगा पेलर टू ईच अदर होगा तो देख लेते हैं निकाल के तो ए प्रोडक्ट दिया है बी प्रोडक्ट दिया है आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की सेम जैसे ही आपने ऊपर किया तो आपके पास जो टर्म्स आगे निकल के क्या आगे

फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर